गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम RHIIT के अध्याय 15 के सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपके कंप्यूटर का प्रबंधन। तो आज हम इस आपके कंप्यूटर प्रबंधन में हम सीखेंगे कि CD या DVD से इंस्टॉल कैसे करना है सॉफ्टवेयर को। तो हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि किस प्रकार आप अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर, विंडोज़ पर यूज़र क्रिएट करोगे, और इसके अलावा रिस्टोर पॉइंट कैसे सेट करना है। इसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसे अनइंस्टॉल करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार CD या DVD के द्वारा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने CD लगा दी है, आप अपने जो सॉफ्टवेयर वाली जो CD है आप अपने कंप्यूटर में सेट कर लेंगे या अपने लैपटॉप में डाल लेंगे। उसके बाद में आपको सीधा अपने डिस PC पे जाना है। डिस PC में आपको नीचे शो कर देगा आपने जो DVD लगाई, उसे ओपन करेंगे आप। ओपन करने के बाद में आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है, आपको जो इंस्टॉल करना है, उस सॉफ्टवेयर पर आप क्लिक करके उसे इंस्टॉल करें। हमने यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमारे कैमरे का सॉफ्टवेयर है, जो हम आपको कैमरे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे लैपटॉप में Windows 10 चल रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने यहाँ से सेटअप, इसमें देख आपको सेटअप नाम से यहाँ पर शॉप मिल जाएगा आपको। तो हमारे ये सेटअप है, इसे सेटअप को हम क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप एक बार देख लें, फिर आप भी अपने कंप्यूटर में जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो एक बार जरूर चेक करके। जो सेटअप है वो हम इंस्टॉल करके बता रहे हैं आपको। ये सबसे पहले आपको डू यू वांट टू अलाउ, ये आपको अलाउ के एक ऑप्शन देगा जिसमें आपको यस करना होगा। उसके बाद में आपको जब ये इंस्टॉल होने लग जाएगा तो आपको इसमें एक दो परमिशन मांगेगा, वो परमिशन देनी है। अब ये इंस्टॉल होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रिपेयरिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि रियल टाल्क USB वायरलेस लैन ड्राइवर यूटिलिटी। अब नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट ऑप्शन हमने इसे प्रेस किया है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है हम क्या। फिर इसके बाद में ये पूरा कम्प्लीटली उसे इंस्टॉल कर देगा। तो इस प्रकार आप इंस्टॉल कर लोगे। फिर एक और बात बता दें आपको, जब आपके कंप्यूटर में पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आपको उसे रिस्टार्ट करना ना भूलें अपने लैपटॉप को। फिर उसके बाद में रिस्टार्ट करने के बाद में आप जो आपने इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर उसे यूज करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, एक कार्यक्रम को अनइंस्टॉल करने की प्रक्रिया। अब आपको Windows 10 में से कैसे, किस प्रकार आप अनइंस्टॉल करेंगे किसी का सॉफ्टवेयर को, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। आपको सीधा विंडो बटन दबाना है, ठीक है। इसमें आपको कंट्रोल पैनल लिखना है, कंट्रोल पैनल सर्च करके आपको इसके अंदर जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल में आपको नीचे ही नीचे शो करेगा अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। आप इस अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। जो आपको अनइंस्टॉल करना है प्रोग्राम उस पर आप क्लिक करके अनइंस्टॉल का, राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल का ऑप्शन देगा आपको, उस पर क्लिक करना है, उसी पर यह अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ से आपको एक अनइंस्टॉल करके बताते हैं किस प्रकार करेंगे हम। जैसे इस समय से हम ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके बता रहे हैं, ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। अब आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क प्रिंटर की स्थापना। तो आपको हम बता देते हैं कि नेटवर्क प्रिंटर को आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लें, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। उसके बाद में अगर आपके पास CD हो तो आप अपने CD को लैपटॉप में डाल लेवें। डालने के बाद में उसे रन करने के लिए ओपन करें CD को। CD ओपन होने के बाद में आपको इसमें वही सेम ऑप्शन जैसे हमने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार आप इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, उसी प्रकार आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं कि आपको जैसे कि इसमें आपको कैसे चेक करना है कि आपका प्रिंटर एंड डिवाइस, आप सर्च कर लें प्रिंटर एंड डिवाइस, स्कैनर मिल जाएगा आपको। इसमें प्रिंटर एंड स्कैनर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें इंस्टॉल होने के बाद में आपको उससे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है जो आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमारे HP एक प्रिंटर है। अब जैसे कि हम इसको आप परमानेंट, ये हमारे इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं और इसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सीख लिया कि किस प्रकार आप अपने प्रिंटर को इसमें सेटअप करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि ईमेल अकाउंट जोड़ेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस प्रकार आप इसमें अपने ईमेल खाते में अपना अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं आउटलुक के बारे में, MS आउटलुक, जो बिज़नेस के लिए काफ़ी
महत्वपूर्ण है। अब आपको सबसे पहले आपके लैपटॉप में आउटलुक सर्च करेंगे आप। ये आउटलुक आपको बता दें कि ये आउटलुक बिजनेस पर्पज़ से हैं, जिसमें आपको मेल करना होता है सभी को एक साथ, तो ये आउटलुक उसी में काम आता है। यदि आप आउटलुक में नए हैं तो नए कंप्यूटर पर आउटलुक 2010 इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटो खाता सेटअप सुविधा स्वचालित रूप से शुरू होती है और आपके ईमेल अकाउंट के लिए अकाउंट सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन करने में आपकी मदद करती है। इस प्रकार सेटअप करेंगे आप, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज POP3 और IMP खाताओं का समर्थन करता है और आपको इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP और ईमेल प्रशासक आपका आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी दे सकता है। आउटलुक में आप ईमेल खाता सेट करना होगा सबसे पहले, तो हम सबसे पहले आउटलुक ईमेल खाता सेटिंग करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद में ये आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। आप अपनी मेल आईडी डालने के बाद में ये आपको पासवर्ड का ऑप्शन देगा। जब आप पासवर्ड अपना इसमें डाल लेंगे, वही मेल आईडी के आपके पासवर्ड, उसके बाद में आउटलुक आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। आउटलुक में आपका ये जो बन गया आपका मेल अकाउंट सक्सेसफुली एडिट बता दिया इसने, फिर हम इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। आउटलुक अपना स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसमें बुक्स में दिखा दिया गया है, जब आप पहली बार आउटलुक 2010 को प्रारंभ करते हैं तो एक ईमेल खाता जोड़ें, तो हमने जोड़ दिया अपना ईमेल खाता, ठीक है। इसके बाद में ये आउटलुक अपना स्टार्ट हो चुका है, पे आउटलुक आपको शो कर रहा है इनबॉक्स ड्राफ्ट आउटबॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये आउटलुक कंप्लीट हो चुका है आपका। अब इसमें मुख्य खाते के अतिरिक्त एक निजी जीमेल खाते को जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले खाते के प्रकार इसमें देखो, इसमें पहला कदम आपको फर्स्ट स्टेप में दे रखा है, आप अपने जीमेल खाते को लॉगिन करें और सेटिंग में जाइए। तो हमने ये सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। इसके बाद में आपको हम बता देते हैं कि इसमें मेल को किस प्रकार आप सेंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो न्यू मेल लिखा है, इसमें न्यू मेल पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसको आपको मेल भेजना है उसका मेल आईडी यहाँ पर डालेंगे आप, ठीक है। जैसे कि आप जो भी जिसको मेल भेजना है उसका मेल आईडी इसमें आप डाल देंगे। डालने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिला है CC, वही सेम अपने मेल आईडी वाला सिस्टम, तो आप इनमें पूरा फिल कर दें जो आपको इसमें गिवन है। इसके बाद में आप सब्जेक्ट लिख लें जो आपको लिखना है, फॉर टुडे लीव, जैसे हमने ये सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो भी और डालना चाहते हैं, अपना नाम वाम जो भी, फिर उसके बाद में आपको ये सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप देखो, अब ये हो गया अपना कंप्लीट, मेल लिख लिया आपने, हाउ आर यू, जैसे अपने अपने मेल लिख दिया हाई, ठीक है। अब आप प्रशासक या प्राप्तकर्ता को उत्तर दे रिप्ले में, इसमें देखो ईमेल संदेश या उत्तर दे अग्रेषित करने के लिए इसमें रिप्ले और ऑप्शन है, इसमें इंसर्ट करने का ऑप्शन भी है, अटैच फाइल डालने के भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें अपनी फाइल भी जोड़ सकते हैं, आपको जैसे सेम वो का वही आपका मेल वाला सिस्टम है इसमें। तो ये हुआ अपना आउटलुक का पूरा प्रोसेसर। अब हम लास्ट इस बुक का लास्ट टॉपिक लेते हैं, फोल्डर लॉक। ये फोल्डर लॉक आपकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल हैं उन फाइल को आप किस प्रकार हाइड करोगे, यानी छिपाना है। अगर सपोज़ करो कि आपका कोई लैपटॉप को छेड़ता है और आपको उसको छिपाना है, तो आप किस प्रकार छिपाओगे, अब हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है, आपको जाके अपने ब्राउज़र पे डाउनलोड फोल्डर लॉक, आप फोल्डर लॉक डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद में आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो भी फाइल है आपको ये शो करना है, अभी देखो हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद में हम आपको बताते हैं किस प्रकार आपको यूज करना है। हमारे यहाँ फोल्डर लॉक जो इंस्टॉल हो चुका है, अब इंस्टॉल होने के बाद में हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार आपको इसमें फोल्डर लॉक सा आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको फोल्डर लॉक जो आप देख रहे हो इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, लैंग्वेज सेलेक्ट होने के बाद में ये आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, इंस्टॉल करें। आप एग्री वाला जो है इसका टर्म्स एंड कंडीशन एक बार रीडिंग करें, आप रीडिंग करने के बाद में आप इसमें आई एग्री पर क्लिक करें। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ये इंस्टॉल के लिए मांगेगा, इंस्टॉल कंप्लीट करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप अपनी फाइलों को हाइड करेंगे और किस प्रकार आप इनको सिक्योर बना लेंगे, ठीक है। तो ये वैसे तो ये हो के तो सबके लैपटॉप में होना ज़रूरी होता है, बिकॉज क्योंकि आपके पास भी पर्सनल डेटा होता है, कोई बच्चे आके छेड़ें या कोई बड़े आपको, आप अनवांटेड जो भी आपके कहने मतलब एक पर्सन है जो आपको पसंद नहीं है और छेड़े, इस वजह से आप क्या करेंगे, अपने इन सभी फोल्डरों को लॉक कर दें। तो लॉक जो आपको अब हम बताते हैं किस प्रकार लॉक करना, हमारे ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद में हम आपको बताते हैं किस प्रकार आप यूज़ करेंगे। तो
अब ये होने की पूरी कंप्लीट कगार पे हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फोल्डर फिनिश कर लेते हैं हम। तो अब आपको जैसे कि ये फोल्डर लॉक आपको कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे ये डेस्कटॉप पे शो कर दिया फोल्डर लॉक को। तो अब हम उनको बताते हैं कि किस प्रकार आप इस फोल्डर लॉक को यूज़ करेंगे। वैसे तो आपको फोल्डर लॉक के कई सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो इनको आप यूज़ करना है, जो अच्छा लगे आपको वो डाउनलोड कर लें अपने लैपटॉप में और इस पर इससे यूज़ करें। तो आपके पास ये शो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सेट है मास्टर पासवर्ड, आपको पासवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। पासवर्ड जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दे दिया, ठीक है। अब आप ओके कर दें, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जैसे लॉक फोल्डर है, जो फोल्डर लॉक करना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। और इसमें इनक्रिप्ट फाइल्स दे रखी है, सिक्योर से बैकअप दे रखा है, प्रोटेक्ट यूएसबी दे रखा है, पासवर्ड वॉलेट्स हैं, ठीक है। इसमें क्लीन हिस्ट्री भी है आपके पास में, सब तरीके से इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं किस प्रकार आप इसको फोल्डर को यूज़ करेंगे। जब आप पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे सेकंड टाइम में, तो फिर इसके बाद में आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा ऐड ए फाइल्स एंड ऐड फोल्डर्स एंड ऐड ड्राइव। जैसे आपको पूरी ड्राइव ही लॉक करनी है, तो आप इसमें ड्राइव सेलेक्ट कर लें और इस पर ओके दबाएं। ओके दबाने के बाद में ये आपकी ड्राइव पूरी लॉक हो चुकी है, ठीक है। अब जब भी जो खोलेगा इसमें ड्राइव में आपको लॉक नज़र आएगा। तो जैसे हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, कि लॉक हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमारे आप दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में जाने के बाद में देखिए आपको ड्राइव डी हमारे NTFS शो कर दिया इसने, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉक लग चुका है। तो ये कह रहा है कि अनएक्सेसिबल, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे लॉक कर सकते हैं। अब आपको जिस फोल्डर को लॉक करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि डी सेलेक्ट किया हमने, तो इसमें आप लॉक कर सकते हैं। तो लॉक कर दिया मैंने। अब आपको बताते हैं कि लॉक करने के बाद में आपको किस प्रकार दिखाई देगा, तो एक बार आप जरूर चेक कर लें, ठीक है। जैसे मैंने हमारे लैपटॉप में इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में आप जैसे दिस पीसी पर गए, दिस पीसी पर जाने के बाद में आपको डी बताता है, देखिए अब यहाँ आप डी पर क्लिक करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे बता देगा, ठीक है, नॉट एक्सेसिबल, और ये कम मना कर दिया इसने, लोकेशन इज नॉट अवेलेबल शो कर दिया। अब आपको वापस इसे ओपन करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें जाना है, ठीक है, फोल्डर लॉक वर्जन में, ठीक है। इस फोल्डर लॉक में जाने के बाद में आपको इसमें अनलॉक ऑप्शन है, इस अनलॉक पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर आप एक बार वापस जाके चेक कर लें कि आपके ओपन हुआ या नहीं हुआ, तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दिस पीसी में वापस जाएंगे आप, दिस पीसी में जाने के बाद में आपको इसने वापस शो कर दिया। तो इस प्रकार आप अपने फोल्डर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और हमने ये पूरी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम 15 आपके कंप्यूटर का प्रबंधन। तो कोशिश करें कि आप भी हमारे साथ साथ जो आपने प्रैक्टिकल सिखाए हैं आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एक बार करके ज़रूर देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ। थैंक यू।